इस स्रोत का ये है कि यहाँ पे अगर आप नहा लेते हैं या आप यहाँ पे आके स्नान करते हैं तो आपके जितने भी पाप है वो धुल जाते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सीतावनी। सीतावनी जो कि है रामनगर से 25 किलोमीटर अंदर, जो कि कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है। तो हम वहाँ जा रहे हैं हल्द्वानी से, और अभी हमने सबको बैठा लिया, अभी माई को पिक कर लिया है, और गित्तू का बेबी भी आ रखा है, गित्तू भी आ रखी है, और पीछे दीक्षु बैठी है वहाँ पे। तो अभी हम सब बैठ गए और हम निकलने वाले हैं, तो वहाँ पे पहुँचेंगे जैसे, उसके बाद हम शुरू करेंगे, मतलब व्लॉग आपको दिखाएंगे सब कुछ कैसा है। पर अभी हम बस स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेट हो गया है और शाम को वहाँ अंधेरा काफी हो जाता है। तो अभी हम निकलते हैं ऑफ रोडिंग करने वाले हैं तगड़ी वाली, क्योंकि वहाँ पे नदी बहती है, पत्थर है, मजा आने वाला है। प्रॉपर जंगल के बीचों बीच जाएंगे। हमें हाथी देखने को मिल गया पहले से ही, तो हमें को रिग्रेट भी नहीं होगा अगर वहाँ अंदर हाथी देखने को नहीं मिलेंगे हमें तो। क्यों? भले भले ही पालतू हाथी थे, लेकिन देखने को तो मिल गए। सफारी करने जाते हम लोग भी, सफारी जा रहे हैं बस अपनी कार में, उनकी जिप्सी बस फ्री में जा रहे हैं सफारी। तो गाइस, हमने ये रामनगर में जब पहुंचते हैं तो उससे पहले आपको थोड़े स्टॉल्स दिख जाएंगे, ये स्ट्रॉबेरीज के और ये जूस वगैरह के, और ये दिख जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हल्द्वानी से आप रामनगर आ रहे हैं तो मतलब आपने रामनगर में एंट्री ले ली है। तो ये आपको बैराज आ गया रामनगर का, यहाँ से आपको राइट लेना है ऊपर को, तो यहाँ से राइट लेना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये हमने एंट्री ले लिया सीतावनी की तरफ, रामनगर से पहले कट आता है। तुम सब नीचे उतरोगे, वो अंदर आएंगे। तो हम पहुंच गए टेढ़ा गेट, और यहाँ से हमें लेना पड़ेगा पास, लेना पड़ेगा। जैसे हम हल्द्वानी से निकल गए थे कम से कम एक घंटा पहले, तो जैसे आप रामनगर में आते हो तो यहाँ पड़ता है टेढ़ा गेट, से आपको पास लेना पड़ता है अंदर का। और जो सीतावनी है ये वन ऑफ दी जोन्स है, लेकिन ये बफर जोन है, ये मतलब जैसे आपका बाकी के जोन्स हैं वैसा जोन नहीं है। यहाँ पे आपके जानवर वगैरह कम है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली लोग मंदिर में जाते हैं, सीतावन जो मंदिर है उसको देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे सारे जिप्सीज वाले जितने भी सफारी वाले हैं सारे यहाँ पे पास लेते हैं, रुकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से सीधे निकल जाते हैं आगे। तो हम भी अब सीधे निकल रहे हैं, सारे लोग बैठ गए अंदर, और अब सीतावन की तरफ हम चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए टेढ़ा गेट से आगे, आपको दूसरा जो चेक पॉइंट पड़ता है सीतावनी जोन में जाने के लिए, ये पीछे आपको दिख रहा होगा मेरा, ये दूसरा चेक पॉइंट है। तो मतलब कि आपका जो आपने वहां से पास लिया है वो पास आपका यहां पे चेक होगा, और उसके बाद यहां से आपका जो है ना वो कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाता है। जो भी सफारी वाले आ रहे हैं, जो भी पर्सनल गाड़ी आ रही है, वो यहां पे रुकेंगी, अपना जो पास दिखाएंगी, उसके बाद सीतावनी के लिए जाएंगी। और आगे पूरा खतरनाक जंगल है, हाथी वाथी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी है। वैसे हमारे साथ दो हाथी ऑलरेडी हैं, एक ये है और एक वो है, तो हमें नहीं भी दिखे तो हमें चलेगा, और दो हाथी हमें ऑलरेडी दिख भी गए रास्ते में, हमें तो रोज दिखते हैं। और एक और चीज दिखाओ आपको, वो देखो वॉच टावर, यहाँ पे खड़े होकर जितने फॉरेस्ट वाले होते हैं वो हाथी वाथी को देखते हैं। और हमें सीतावनी के सेकंड चेक पोस्ट से अंदर आ गए हैं, और अब पूरी कच्ची रोड स्टार्ट हो चुकी है। अरे यहाँ पे ऑफ रोडिंग ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग है, खतरनाक इको स्पोर्ट की पहली ऑफ रोडिंग होने वाली है आज यहाँ पे। अब आपको बिल्कुल भी आपको पूरी पक्की रोड नहीं दिखेगी, पूरी खतरनाक ऑफ रोडिंग है, और ये पूरा खतरनाक जंगल है। देखो यहाँ पे सभी टूरिस्ट जितने भी आते हैं यहाँ पे कैंपिंग करने, मतलब ये सफारी में आते हैं, उनको सबसे हिदायत दी जाती है कि यार तुम्हें गाड़ी से नहीं उतरना है फर्स्ट, और सेकंड यहाँ पे कचड़ा वगैरह बॉटल्स रैपर्स नहीं फेंकने हैं। ये देख लो
ये देखो यार, हमारा आना सफल हो गया है। हमें कम से कम मुर्गी तो दिखी। ये जो आपको रंग वाला दिख रहा है ये मेल मुर्गा है, और जो बिना रंग वाली है वो फीमेल है, दोनों पार्टनर है। और ये हमें एक और हिरण भी दिख गए हैं थोड़े बहुत। ओए भाग गए हिरण। सींग ही नहीं है वो, ऐसे टेढ़े मेढ़े है। वो तो बारह सिंग होता है ना। अच्छा वो देखा फिर हमने जिस लेफ्ट साइड लेफ्ट ये इधर देखो ये यहाँ पर जूम करो, सुपर जूम करो। दो तीन है वहाँ तो। वो झुंड बिक गया हमें हिरण का पूरा। वो झुंड गई। आपकी गाड़ी में फंसी क्या? लाओ 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 लाओ। तो गाइज, हमने बड़ा खतरनाक ऑफ रोड पहली बार किया है इको स्पोर्ट में, अलग ही मजा आ गया। और हम पहुंच गए हैं सीता बनी, और ये है माँ सीता का आश्रम। यहाँ मंदिर है, 1500 साल पुराना मंदिर है। यार अगर आपको अपनी गाड़ी आपने नहीं ली है, अगर आपको ऑफ रोडिंग करने का शौक है और आप अपनी गाड़ी में ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं तो सीता बनी आ जाओ। थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग हो जाती है और मज़ा बहुत आता है। इसलिए सीता बनी आश्रम बना क्योंकि सीता माता जब राम जी से अलग हो गई थी और उन सबने उनको छोड़ दिया था, तो सीता माता यहाँ आके रही थी इस आश्रम में। और ये वाल्मीकि जी का आश्रम था तो उन्होंने यहाँ पे उन्हें रखा था। और सीता माता को इसी आश्रम में अपने दोनों बेटे मिले थे, लव और कुश। अब बताओ, लव और कुश चाहते हैं वहाँ पे, इसलिए आपको भी लव कुश चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे एक पानी का स्रोत भी है जिसमें अगर आप नहाते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये है एंट्री। चलो भैया, तो यहाँ पे आपको जूते चप्पल उतारने हैं। और ये सीता बनी का द्वार। चलो बेटा चलो। मुख्य दानदाताओं की सूची यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक शेरावाली माता का मंदिर है, और एक ये मंदिर है, ये 1500 साल पुराना माता सीता का मंदिर है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ एक मस्त तालाब भी है जिसमें जो पानी आ रहा है वो आ रहा है इस स्रोत से। इस स्रोत का ये है कि यहाँ पे अगर आप नहा लेते हैं या आप यहाँ पे आके स्नान करते हैं तो आपके जितने भी पाप हैं वो धुल जाते हैं। यहाँ पे आके स्नान काफ़ी लोग करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है और यहाँ पे चकाचक भरा होता है, आपको बिल्कुल ट्रैफिक जैम मिलेगा। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। मैं आपको बता दूं कि जो सीता बनी जो मॉन्यूमेंट है, ये हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको मेंटेन रखता है और वही इसकी सारी जो है देख देख करता है। लेकिन इसकी कंडीशन अभी इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, पर और कार्य करने की ज़रूरत है। तो देखो, ये मंदिर 1500 साल पुराना है और ये हमारे देश की धरोहर है। सीता माता यहाँ पर बैठी थी, और ये जो कुंड बोलते हैं ये कुंड, ये सीता माता यहाँ पर नहाती थी, तो ये कुंड भी काफ़ी पवित्र है। इसलिए बोलते हैं कि जो यहाँ पर नहा लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। आपको दिखा दूं कि बीच में सीता माता बैठी हैं, पंडित जी हैं, और लव और कुश साइड में बैठे हुए हैं। तो ये 1500 साल पुराना मंदिर है। पंडित जी नमस्कार, और आप आएंगे तो पंडित जी से ज़रूर मिलें। ये मुख्य मंदिर है और इधर से आना है आपको। और ये आपका भगवान भोलेनाथ जी का ये शिवलिंग है, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। ओ यहाँ पे कितने सारे शिवलिंग हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच शिवलिंग है यहाँ पे टोटल। और यहाँ पे भी एक हनुमान जी का।
जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। तो राम लक्ष्मण और सीता मैया और उनके प्रिय एकदम प्योर 100% भक्त हनुमान जी वो भी वहीं पर हैं। आगे मुंह में डालो ये फोन जो जाएगा। पंडित जी ये पेंटिंग दिख रही है, ये क्या है? किसने ये बनाया? ये सीता माता की है। अच्छा, वो लव कुश जन्म की फोटो है, वो सीता मैया बैठी है, वो सीता मैया है। ये पांडव हमें बताते हैं। पंडित जी आप यहीं रहते हो? बाबा जी पीछे आश्रम है ना आपका? गुरु का जो मत है, गुरु का जो निर्णय है, सत सिद्धांत है, अत्यंत कल्याण। यहाँ शाम को जानवर आते हैं? अत्यंत कल्याणकारी। क्या हाथी वगैरह? हाथी वगैरह। या तेंदुआ आता है? हाथी यहाँ आता है? चलो फिर, ठीक है पंडित जी, नमस्कार। डरो मत राजा, आपके पास कुछ भी सामान वगैरह छुपा के रखोगे, ये बंदर हमारे पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि हमारे पास है एक बैग और उसके पीछे ये पड़ गए हैं, क्योंकि अभी इन्होंने हमारे हाथ से छीना है एक प्रसाद का, वो उसमें वो था, मतलब विभूति रखी थी, वो छीन लिया इन्होंने। तो आपके पास कुछ भी सामान है तो यार, जहाँ हर जगह बंदर करते हैं वैसे ही छीन सकते हैं। तो गाइस हमने सीता बनी के दर्शन कर लिए हैं, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी शांति है। लव कुश भी बैठे थे वहाँ पे, तो लव कुश का जन्म यहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये एक बफर जोन है, आपको अगर साइट सीइंग करनी है, आपको कुछ जानवर देखने हैं, तो आपको ढिकाला जोन जो है वो काफ़ी फेमस जोन है, वहाँ पे टाइगर एलिफेंट दिख सकते हैं। यहाँ पे किस्मत अच्छी रही तो आपको दिख जाएंगे जानवर, वरना ये भी कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे जानवर देखना बहुत रेयर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जो है लोग आते जाते रहते हैं और थोड़ा आउटर में रहता है ये, तो इसलिए मतलब एज कम्पेयर टू ढिकाला जो आपके झिरना और ढीला जो आपके सारे जोन है उसके कंपेरिजन में आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज ये भी कॉर्बेट नेशनल पार्क का ही हिस्सा है, इसे बफर जोन बोलते हैं। तो हमने सीता बनी का दर्शन कर लिए हैं और माता सीता के मंदिर का भी दर्शन कर लिया है और काफ़ी मज़ा आ गया है। और अभी मेरे पीछे देखो क्या ज़बरदस्त सनसेट हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त सनसेट हो रहा है, नदी बह रही है। और अभी हम सीता बनी से वापस की तरफ आ गए, टेढ़ा गेट से थोड़े से पहले हैं और अब हम जा रहे हैं वापस हल्द्वानी की तरफ। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब इस व्लॉग को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है। सीता बनी से अगर आप आए हैं घूमने के लिए तो टाइम से बाहर निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हाथी हैं, बड़े बड़े टस्कर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इस हमारी जो ये ट्रिप थी, हमारा जो जंगल सफारी थी सीता बनी की, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा, हमारा ये फैमिली व्लॉग अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, सी यू।